नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा डेडिकेटेड है जो कि रेनी सीज़न या ह्यूमिड एनवायरनमेंट या जो कहते हैं ना, जिनका सीज़न इस टाइम पे आता है जब पतंग उड़ाने के टाइम पे नमी रहती है हवा में अंदर, उस टाइम पे किस तरह के मांजा उड़ाने चाहिए उसके बारे में जानकारी जानना चाहते हैं। एक तो वीडियो मैंने पहले ही डाला था लड़ाकू जेट का, डेफिनेटली वो लिस्ट में है जो मैंने ऐसा दिखाया। इसके बाद ये एक और मांजा है जैसे आप जानते हैं, मैं इसको रिवील करूँगा आगे की वीडियो में। सबसे पहले लड़ाकू जेट इसका मैंने रिव्यू लास्ट टाइम भी पोस्ट किया था, आप ध्यान से देखेंगे तो ये वही मांजा है। इसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस इतना सा बताना चाहूँगा ये काले कलर में बनाते हैं और ब्लैक जेट या यू कैन से सबसे ज़्यादा लड़ाकू जेट के नाम से फेमस है इनका ब्लॉक। और ये देख सकते हैं बहुत अच्छे से बनाया मांजा मैंने लास्ट टाइम भी डाला था, इसमें 2000 की मुझे चरखी पड़ी है और मुझे को लगता है अच्छा काम किया क्योंकि ये नमी में पड़ी रही थी मेरी चरखी, बट फिर इसके बाद भी इसका टेम्पर और सब चीज़ें कुछ भी चेंज नहीं हुई थी। ये बहुत अच्छे से बना हुआ था मांजा, धार बहुत बहुत अच्छी लगाई हुई इन्होंने धार, तो आप समझ सकते हैं नमी में धार बनी रहे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और डोर भी अच्छी स्ट्रॉन्ग बनी रहे, तो उस हिसाब से इन्होंने बहुत ही बैलेंस्ड काम किया है। और नो डाउट अगर आप इसको मंगवाते हैं तो आप डेफिनेटली निराश नहीं होंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, आप मंगा के देखिए। हालांकि इनके कारीगर से मेरी बात नहीं हुई है, मैं जनरली वही बात आपको मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगा जो बाकी लोगों के पास है, मैं भी चाहता हूँ वही चीज़ हो, इसलिए मैंने शान भाई मुरादाबाद से मंगाया था कॉमन चरखी। इसके बाद में जो दूसरा मांजा है जिसकी मैं तारीफ़ करूँगा वो है निसार रजवान का 9 स्टार। पहले 7 स्टार बनाते थे, अब 9 स्टार उन्होंने बनाने लग गया है। 9 स्टार और 7 स्टार में मुझे लगता है डिफरेंस जो मेन है ना, जो पहले 7 स्टार आता था, जो 7 स्टार आता था वो बिना बल खुले डोर हुआ करती थी और अच्छा काम किया होता उस पर भी, और उसके बारे में मैं आपको और बताऊंगा। बट 9 स्टार एक बल खुली हुई डोर है, मतलब जैसा कई बार चेन के जैसा बना हुआ होता है मांजा, जिसको आपको सबके बारे में पता है, ये उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया, इसकी धार बहुत अच्छी रखी है इन्होंने, तो इस मांजे के हिसाब से मुझे लगता है इस मौसम में बहुत अच्छे से काम करेगा। हालांकि ये मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे सीज़न में अच्छे से काम करता है क्योंकि थोड़ा ठंडों में भी हल्की सी नमी तो रहती है, तो ये गर्मियों का मुझे रिजल्ट का नहीं पता है क्योंकि गर्मियों ने कभी लड़ाया नहीं इसको, लेकिन रेनी सीज़न और सर्दियों के हिसाब से मुझे लगता है सबसे बेस्ट का मांजा है अगर आप दूर के पे ज़्यादा लड़ाते हैं तो। आप देख सकते हैं इन्होंने कितना अच्छा कलर बना के भेजा मेरे को और ये काफ़ी मतलब इन्होंने बल खुलने के लिए मेहनत करी है, बल खुलते तभी हैं जब कारीगर पूरा जोर लगा के मेहनत करता है और बहुत मेहनत करता है। इसके साथ में ये आप ध्यान में रखिए कि ये निसार रजवान ऐसे मेरे को इसलिए इम्प्रेस ज़्यादा करते हैं क्योंकि खुद बनाते हैं, खुद सूते हैं मांजा, ये किसी भी कारीगर पर डिपेंडेंट नहीं है, ये डायरेक्टली मैंने इनको जितनी बार भी अड्डे पे इनके वीडियोस देखे हैं, इनसे बात करी है, खुद ही सूते हैं मांजा, तो इसलिए फ़ोन तो ये बिल्कुल ही नहीं उठाते हैं उस टाइम पर, शाम को कभी उठा लें फ़ोन तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं उठाते। बट आप इनसे बिना मतलब डाउट किए आप इनके नाम का मांजा मंगवा सकते हैं क्योंकि ये जो बनाएंगे वो अपने अल्लाह दर्जे की डोर होगी, बहुत ही अच्छे से बनाई हुई डोर होगी और 1-2-3 पे ये बना हुआ है, थोड़ा सा बल भी खुले हुए हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इनका एक्चुअली दूसरी चरखी है मेरी, पहली चरखी का भी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा इसके जस्ट बाद में, और बेसिकली इसलिए मुझे पसंद आई क्योंकि मेरे पास इनकी बल खुली डोर वाली डोर नहीं थी और जब शान भाई मुरादाबाद वाले दिखा रहे थे इसको तब मेरा काफ़ी अच्छा मेरे को लगा कि इसको लेना चाहिए मुझे। पैकेजिंग वगैरह उन्होंने बहुत अच्छे से करीब के भेजी हुई तो इसलिए उसके कोई डाउट नहीं रखे। ये मुझे 2300 की पड़ी है और अभी का कुछ थोड़ा सा रेट चेंज हुआ है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि थोड़ा आपकी जगह के हिसाब से रेट चेंज हो सकती है क्योंकि डिलीवरी, कोरियर चार्जेस, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं इन सब चीज़ों को लेकर, तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपना मतलब अगर आपको रेट सही लगती है, सब चीज़ें ठीक हैं, अफोर्डेबिलिटी है तो ही खर्च करें, अदरवाइज़ मेरे हिसाब से लड़ाकू जेट मोर देन सफिशेंट है अगर कंटिन्यूसली आपका रेनी सीज़न, ह्यूमिड सीज़न रहता है वहाँ पर, तो उससे ज़्यादा पैसे खर्चने का ज़रूरत नहीं है आपको। मेरा शौक है, आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, इसलिए मेरे पास कलेक्शन भी काफ़ी सारा है और इसी रीज़न से मैंने मंगाई थी क्योंकि मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी थी इनका काम किया हुआ, तो मैंने मंगवा लिया था। वैसे भी मैंने लास्ट वाले एक वीडियो में टॉप 5 लिस्ट डाली हुई है, उसको मैं यहाँ पर रिपीट ज़रूर कर दूंगा कि आप कौन कौन से मांजे रख सकते हैं अपने हिसाब से, कलेक्शन के हिसाब से। ये देखिए पुराना लास्ट ईयर का मांजा है मेरे पास जो मैंने बंटी बना से लिया था और शायद मैंने उस टाइम पे लॉकडाउन के टाइम पे जब पहली बार अचानक से पतंगबाजी शुरू हुई थी तो इस पतंग को उड़ा के अपनी छत से 45 पेज काटे थे और उसका मैंने फेसबुक पे पोस्ट किया था। ये हल्का सा वॉयलेट ब्राउन मिक्स मांजा है, डार्क है ये, थोड़ा लाइट ज़्यादा डाल रखी है तो काला सा लग रहा है, अभी थोड़ा सा लाइट अगर चेंज होगी तो आपको पता लग जाएगा कि किस एग्जैक्टली किस कलर का है। हालांकि लॉकडाउन में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये ज़रूर आई है कि सारे मांजा जितने भी मेकर्स हैं उन्होंने अपने रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए, डिमांड भी काफ़ी आई, इसलिए शायद हो सकता है फर्स्ट टाइम डोर की शॉर्टेज भी आई है। ऑब्वियस ही बात है अगर आप 10 टन प्रोडक्शन कर रहे हैं और 100 टन का प्रोडक्शन हो जाएगा एकदम से बिकॉज ऑफ डिमांड एंड ऑल ओवर इंडिया, तो रेट्स तो बढ़ना स्वाभाविक है चीज़ों के, और दूसरी चीज़ ये भी है कि सप्लाई और डिमांड का इशू तो बनेगा ही बनेगा क्योंकि मैंने भी शायद पहली बार लाइफ में इतना ज़्यादा कलेक्शन किया है तो कलेक्शन करने वाले लोगों का लिस्ट भी काफ़ी लंबा चौड़ा हो गया है,
और डेफिनेटली यूट्यूबर्स जैसे हम लोग जो वीडियो डाल रहे हैं प्रमोशन तो होता ही है उसका। अगेन मैं एक चीज़ और बोलूँगा, जैसे ये है, ये मांझा मेकर हैं सलीम भाई, इनको भी मैंने इस लिस्ट में इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि इनका इतना अच्छे से धार बना के इन्होंने मांझा बनाया हुआ है और ये बहुत दिल से बनाते हैं कोई भी डोर, और कोई ज़्यादा इनकी कॉस्टली भी डोर नहीं है, हाथ से लिखा हुआ है इनका, देखिए ब्लॉग वगैरह भी। इनका मांझा आपको दूल्हे भाई के पास मिल जाएगा, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा। इनका भी काम बेहतरीन है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा अच्छा दोबारा रेनी सीज़न या जैसे नमी वाला एनवायरनमेंट है उसमें ज़्यादा अच्छा लड़ेगा, इंस्टेड ऑफ ड्राई वेदर या शुष्क जो मौसम होता है उसके कंपैरिजन में। और इनको भी आप आंख बंद करके रिकमेंड ले सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं। छतों से तो डेफिनेटली कोई कहने की दोराई बात है ही नहीं, इनफैक्ट ये सारे जितने भी मांझे आपको दिखाए लोग टूर्नामेंट में भी यूज़ करते हैं, बट डोंट गेट मी रॉन्ग कि टूर्नामेंट में जो मांझे कई बार यूज़ होते हैं उसके पीछे कुछ उनका एक अलग से भी उनका बनाया हुआ होता है। ज़रूरी नहीं टूर्नामेंट में जो आज सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा हो मांझा वो अपने छतों से लड़ाने पर भी बहुत अच्छे से परफॉर्म करे, क्योंकि वहाँ की पेश लड़ाने की कला, पतंग वगैरह बहुत अलग होती है। और किसी ने बिल्कुल सही कहा, आपकी कला बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपके पास आर्ट स्किल्स बहुत अच्छी नीचे लड़ाने की, वो उसके बाद में सारे मांझे अच्छे काम करते हैं, ये बात भी गलत नहीं है। लेकिन हाँ, कई बार ऐसा होता है कि अगर मांझा अच्छा हो तो कॉन्फिडेंस भी उसी लेवल पे अच्छा बोलता है आपका, और इसमें कोई दोराई वाली बात नहीं है। इसको आप बिल्कुल अपने साथ में रखिएगा कि आपको अगर 4-5 मांझे रखने हैं अपने पास में अच्छे, तो उसकी मैं लिस्ट डाल दूंगा कि कौन से 4-5 मांझे आप रख सकते हैं। पतंग का डेफिनेटली अच्छा रोल होता है, नो इसमें तो कोई दोराई वाली बात नहीं है। मैं हमेशा सारी चीज़ों को इक्वल इंपॉर्टेंस देता हूँ, पतंग स्किल्स और लड़ाना तीनों को इक्वल देता हूँ, ऊपर नीचे किसी को मैं नहीं करता। ये गलत है, मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग जो उनका अपना सोच होती है उसको प्रेवलेंस देते हैं, लेकिन तीनों चीज़ों की अपनी अपनी जगह जगह है। स्किल्स डेफिनेटली थोड़ा सा एज रखता है, लेकिन पतंग का भी अपना एक अलग रोल है और लड़ाने का और सॉरी यू कैन से डोर का भी अपना अलग रोल है, लेकिन ये तीनों इक्वल पोजिशन पर, इन तीनों को बराबरी हो इन तीनों की, तब आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, लड़ा सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, कोई बच्चा आया अचानक से आपकी गाड़ी मतलब पतंग काट के ले गया, ऐसा काफ़ी कॉमन होता है। तो इसीलिए मैं इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा डिबेट ना करते हुए ज़रूर डेफिनेटली आपसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछूंगा कि आप किस तरह के पेश लड़ाना पसंद करते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं आपके लिए। इसीलिए ये टॉपिक्स में सबसे ज़्यादा कमेंट आए थे, इसलिए मैंने इस पर एक वीडियो बना दी आप लोगों के लिए। अगर किसी चीज़ के बारे में आप कुछ स्पेसिफिक जानना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।